इधर धुंधकारी घर में अकेले और उसकी माँ धुंधली, घर का सब सामान लुटा दिया। एक दिन धन मांगा, उसकी माँ ने कहा अब खत्म है, अब कुछ नहीं। धुंधकारी ने अपनी माँ को बहुत मारा लाठी डंडों से। वो धुंधली गई और जाकर के कुआं में कूद करके मर गई, आत्महत्या कर लिया। धुंधकारी ने सोचा अब तो और बढ़िया हो गया, घर खाली हो गया, अब तो अकेले हम रहेंगे। पांच गणिकाओं को ला करके घर में रख लिया और उन्हीं के साथ रहने लगा, उन्हीं के लिए चोरी करता, उन्हीं के लिए पाप कर्म करता। एक दिन बहुत बड़ी चोरी की, उन गणिकाओं ने देखा, बोले आज तो इसने बहुत बड़ा कांड किया, आज ये जो कांड किया है अब ये बच नहीं पाएगा, राजा के सिपाही सैनिक इसको ढूंढेंगे, और अगर ये पकड़ा गया तो हम लोग भी पकड़े जाएंगे। सबने विचार किया इसको मार डालो और यहां से भाग चलो। पांचों गणिकाओं ने रात में सोते समय धुंधकारी को खाट में लपेट लपेट करके बांध दिया, फिर लाठी डंडा लेकर के पांचों उसे मारने लगी, फिर भी वो मरा नहीं, पट्ठा बड़ा मजबूत था। अंत में गणिकाओं ने क्या किया, बोले जलती हुई लुआठी लेकर, जलती हुई लकड़ी लेकर के उसके मुख में घुसेड़ दिया इसे। तप्तांगार समूहाश्च तन मुखे ही विचिक्षिपु हो, जलती हुई लकड़ी को उसके मुख में डाल दी, श्वास अवरुद्ध हो गई, मुंह जल गया, सारा धुआं उसके फेफड़े में भर गया, तड़प करके मर गया, मृत्यु हो गई। क्योंकि हाथ पैर तो बंधा था, जब मर गया तो वेश्याओं ने उसे खोद करके उसी घर में गाड़ दिया, आंगन में ऊपर से जमीन को लीप दिया, सारा माल ले लिया, घर में ताला लगाया, चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। मर करके धुंधकारी प्रेत हो गया, अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। गोकर्ण जी जब लौट करके आए तो घर खोला, दरवाजा घर खोला, सफाई की, खाट लगा करके जब विश्राम कर रहे थे, रात्रि में धुंधकारी प्रकट हो गया, कभी भैंसे का रूप धारण करके, कभी मेघ का रूप धारण करके, कभी हाथी का रूप धारण करके। गोकर्ण जी जान गए ये कोई प्रेतात्मा है, पूछा तुम कौन हो, लेकिन वो बोल नहीं पाया क्योंकि बोलने की क्षमता नहीं थी, पाप के कारण प्रेत योनि में था लेकिन वो बोल नहीं पा रहा था। तब गोकर्ण जी ने मंत्र पढ़ करके जल डाला, उसके अंदर बोलने की क्षमता आई और थोड़ी शांति मिली। उस प्रेत को पूछा तुम कौन हो, तो धुंधकारी ने कहा कि अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि धुंधकारी इति नामतः, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है और अपने ही पाप के कारण मैं प्रेत बन गया। स्वकीये नैव दोषेन ब्रह्मत्वं नाशितं मया, अपने ही पाप के कारण मैंने अपने ब्रह्मत्व को, ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया और प्रेत हो। हे बंधु मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा तुम्हारे लिए हमने गया में श्राद्ध किया, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली। धुंधकारी ने कहा गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना बड़ा पापी। गया श्राद्ध करने पर सबकी मुक्ति हो गई इसकी कोई गारंटी नहीं, ये भागवत के महात्म्य में ही लिखा है। धुंधकारी ने स्वयं कहा गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति, एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो गया में मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैं इतना पापी हूं। तब गोकर्ण जी ने विचार किया कि 100 बार गया श्राद्ध करने पर भी अगर मुक्ति न हो तो उसके लिए क्या करें। तब गोकर्ण जी ने सूर्य भगवान से पूछा, सूर्य भगवान ने कहा श्रीमद् भागवत की कथा सुनाओ, साप्ताहिक श्रीमद् भागवत की कथा के अनुष्ठान से उसको भी मुक्ति मिल जाएगी। गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति नहीं होती, श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण से उसे मुक्ति की प्राप्ति हो जाती, ये कथा की महिमा। और फिर गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के महीने में, हाँ ये भी सावन का महीना चल रहा पुरुषोत्तम मास, सावन के महीने में ही, ओ अषाढ़ के महीने में नवमी से लेकर पूर्णिमा तक गोकर्ण जी ने कथा सुनाई गुरु पूर्णिमा तक, और उसके बाद 7 दिन कथा सुनकर के धुंधकारी प्रेत योनि से मुक्त हो गया। 7वें दिन दिव्य रूप धारण करके धुंधकारी देवता के रूप में प्रकट हुआ और धुंधकारी ने कहा भैया मैं आपको प्रणाम करता, नमाम भातरम सद्यो,
अपने भाई गोकर्ण जी को प्रणाम किया और कहा, त्वयाहं मोचितो बंधो, हे बंधु तुमने हमको मुक्त कर दिया, हम तो अब प्रेत योनि से मुक्त होकर के जा रहे हैं। अच्छा तुमको इतना बड़ा फल मिला, तो धुंधकारी ने कहा, धन्या भागवती वार्ता, ये भागवत की कथा कितनी धन्य है, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, प्रेत पीड़ा का विनाश करने वाली है और मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। धुंधकारी ने कहा, कंपनते सर्व पापानी, कोई व्यक्ति भागवत की कथा सुनने के लिए मंडप में आकर के बैठ जाए तो उसके जितने पाप हैं वो सब कांपने लगते हैं। सप्ताह श्रवणे स्थिता, और कांपते हुए वो पाप आपस में बात करते हैं। क्या बात करते हैं? बोले, अस्माकं प्रलयं सद्यः, ये कथा तो अभी हमारा नाश करेगी। वो सब पाप आपस में बात करने लगते हैं, ये कथा हमारा नाश करेगी और अभी करेगी। अस्माकं प्रलयं सद्यः, कौन करेगा प्रलय? बोले, कथा चेयं करिष्यति, ये कथा जो है ना ये हमारा नाश करने के लिए आई। ये पाप चिल्लाते हैं, ये कथा हमारा नाश कर देगी। धुंधकारी कहता है, इस कथा के कारण मेरे पापों का नाश हुआ और मैं पवित्र होकर के जा रहा हूं। इस कथा को सुनकर के धुंधकारी जैसे प्रेत को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति हुई। एक अध्याय में श्री सनकादिकों ने भागवत के सुनने की विधि का वर्णन किया। क्या विधि है? बोले, भगवान की कथा सुनने की दो विधि है, एक तो अनुष्ठानात्मक और एक अनुसंधानात्मक। अनुष्ठानात्मक कथा करनी हो तो साप्ताहिक कथा, एक सप्ताह में पूर्ण, और अनुष्ठानात्मक कथा में पांच ब्राह्मणों का वर्ण, वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवर्तये, वेदियों का निर्माण, देवताओं का आवाहन पूजन विधि विधान, और योग्य वक्ता ब्राह्मण वक्ता के द्वारा कथा श्रवण। भागवत का वक्ता कैसा हो? कहते, विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, वैष्णव हो, ब्राह्मण हो, और जिसने वेद शास्त्र को पढ़ा हो। दृष्टांत कुशलो धीरः, अनेक प्रकार के दृष्टांत देकर के समझाने की क्षमता हो, ऐसे वक्ता के द्वारा कथा श्रवण करते थे। और कथा के अंत में द्वादशाक्षर मंत्र से अथवा गायत्री मंत्र से हवन करना चाहिए, रात्रि में संकीर्तन करना चाहिए, फिर भागवत के ग्रंथ को स्वर्ण के सिंह पर रखकर आचार्य को ब्राह्मण को दान करना चाहिए, और अंत में श्रीमद् भगवद गीता और विष्णु सहस्र नाम का पाठ, और फिर यथाशक्ति ब्राह्मण और वैष्णवों को भोजन कराना, महाप्रसाद, इस प्रकार ये 7 दिन का अनुष्ठान संपन्न होता है।